नमस्कार दोस्तों, नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स। दोस्तों पहली अपडेट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से है, जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे कार्य तेजी से चल रहा है, तथा उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे लगभग 3,300 मीटर लंबे एयरस्ट्रिप का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। दोस्तों ये एयरस्ट्रिप उत्तर प्रदेश की दूसरी एक्सप्रेसवे पे बनाई गई एयरस्ट्रिप है। इसके अलावा जल्द ही इस एयरस्ट्रिप पर वायुसेना यहां पर टेस्टिंग करेंगी, यहां पर दोस्तों वो विमान उतारेंगी। और दोस्तों ज्यादातर चांसेस ये है कि यहाँ पर जो राफेल विमान है उनको लैंड करवाया जाएगा वायुसेना द्वारा। स्वाइस एक नया लैंडमार्क है उत्तर प्रदेश के लिए। अब तक लगभग 2 एयरस्ट्रिप हो चुकी हैं एक्सप्रेसवे पर, और पहले भी आपको पता होगा कि यमुना एक्सप्रेसवे पे तेजस विमान की लैंडिंग करवाई गई थी सक्सेसफुली वायुसेना द्वारा। अब देखते हैं दोस्तों क्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे सक्सेसफुली जो एयरस्ट्रिप बनाई गई है यहाँ पर लैंडिंग हो पाएगी या नहीं, जल्दी दोस्तों पता लग जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट सिक्किम से है, जहाँ दोस्तों हिमालयन स्टेट सिक्किम में एक फिल्म सिटी प्रपोज की गई थी, जिसके तहत दोस्तों डोनर मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने सिक्किम में प्रपोज्ड फिल्म सिटी पर चर्चा की, जिस पर उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लोकेशंस हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं, पहाड़ी क्षेत्र है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक वीक पॉइंट ये है कि जो नॉर्थ ईस्ट है यहां पर दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा वीक है, हाईवे से कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, और आपको पता है कि हिली एरिया में कितना मुश्किल होता है रोड का निर्माण करना, हाईवेज बनाना। तो अभी दोस्तों वेल सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस कर रही है नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे इन टर्म ऑफ रेलवे कनेक्टिविटी और हाईवे कनेक्टिविटी, बट दोस्तों फिलहाल अभी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बेहतर नहीं है, जिस कारण दोस्तों इन्होंने कहा कि फिल्म सिटी का जो एस्टेब्लिशमेंट होना था सिक्किम के अंदर वो अभी तक इसी कारणों से नहीं हो पाया है। फिलहाल दोस्तों इस पर चर्चा जारी है सिक्किम में बनने वाली फिल्म सिटी पर। वहीं दोस्तों इन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में पहली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट प्रपोज कर दिया था, और इसको बाद में अप्रूव भी कर दिया था, जिस पर दोस्तों जल्द ही निर्माण कार्य होगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट झारखंड से है, जहां दोस्तों रांची स्मार्ट सिटी के लिए रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने निरीक्षण किया, तथा उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कॉलेज हॉस्पिटल समेत कई प्रकार की संरचनाओं का निर्माण रांची में करा जाएगा। दोस्तों इसके लिए इन्होंने बहुत सारे शहरों में इन्वेस्टर समिट भी आयोजित की, जिसमें दोस्तों इन्होंने दिल्ली, मुंबई और धनबाद में अपनी इन्वेस्टर समिट पूरी की, जिसके तहत दोस्तों 12 कंपनियों ने रांची के अंदर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत निर्माण करने के आवेदन दिए हैं। इसके लिए दोस्तों अभी रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन ने 42 प्लॉट्स को आवंटित कर दिया है इन कंपनियों को। दोस्तों स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करीब 646 एकड़ की भूमि में रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, एजुकेशनल, इंस्टीट्यूशनल और मिक्स यूज का डेवलपमेंट रांची स्मार्ट सिटी में होगा, जिस पर दोस्तों भूमि का आवंटन हो चुका है। और दोस्तों यहां पर बहुत सारे काम इनिशियल स्टेजेस पे चल रहे हैं, और बहुत सारे काम स्मार्ट सिटी के अंदर रांची के अंदर पूरे हो चुके हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट राजस्थान से है, जहां दोस्तों इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर कंपनी एक्यूमा ऑटोटेक ने प्लान बनाया है कि जल्द ही 150 करोड़ की इन्वेस्टमेंट राजस्थान के अंदर करेंगे, तथा इन पैसों की मदद से वो राजस्थान में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करेंगे। वेल दोस्तों इस कंपनी का ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट राजस्थान में स्टैब्लिश है, ये दोस्तों अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के करीब जमीन देख रही है, जहां पर दोस्तों वो अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करेगी। सो गाइस अब बहुत सारे स्टेट्स इंडिया के अंदर आ चुके हैं जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज है वो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टैब्लिश कर रही है। इसमें दोस्तों आपने सुना होगा कि कर्नाटका के अंदर टेस्ला ने अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया, जहां पर दोस्तों अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खोलेगी। इसके अलावा दोस्तों भविष्य में दोस्तों टेस्ला सबसे पहले कर्नाटका के अंदर ही अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलेगी। इसके अलावा दोस्तों ओला ने पहले ही कहा है कि वह तमिलनाडु के अंदर अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टैब्लिश करेगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया से संबंधित है, जहां दोस्तों भारत वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए अपना बजट जल्द ही लाने वाला है। इसके लिए दोस्तों वित्त मंत्रालय कई सारे लोगों से सजेशन ले रहा है। इसके तहत दोस्तों नीति आयोग ने वित्त मंत्रालय को ये सजेशन दिया है कि आने वाले बजट में भारत को एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रूप में विकसित करने पर काम करें। दोस्तों नीति आयोग ने वित्त मंत्रालय को सजेशन देते हुए कहा कि आज से लगभग 5 से 10 साल पहले बहुत सारी इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो कि यूरोप से थी, उन्होंने चाइना में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टैब्लिश किया, जिसे दोस्तों भारत पहले ही अपने आप को इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का एक मौका गंवा चुका है। और दोस्तों अब ये दोबारा एक मौका आ चुका है भारत के पास, जब भारत अपने आप को एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री के रूप में विकसित करे। क्योंकि दोस्तों इसका पहला संकेत यह है कि टेस्ला ने जब अपना रजिस्ट्रेशन बेंगलुरु में करवाया, इससे ये उम्मीद जग चुकी है कि बहुत सारी कंपनियां जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है वो भारत में टेस्ला की तरह इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। क्योंकि दोस्तों टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट में एक मेजर वैल्यूएबल कंपनी है। सो दोस्तों हमें उम्मीद यह है कि और भी इलेक्ट्रिक कंपनियां भारत की तरफ आ सकती हैं। इसके लिए दोस्तों नीति आयोग ने
वित्त मंत्रालय को ये सजेशन दिया है कि अगर भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हब बनना है तो भारत को सबसे पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना होगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में उसे यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन बनाने होंगे, क्योंकि दोस्तों भारत में अगर आप जाएंगे तो चार्जिंग स्टेशन आपको कहीं नहीं दिखेंगे। भारत को अपने आने वाले बजट में चार्जिंग पॉइंट या चार्जिंग स्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है ताकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल सक्सेसफुल हो सके। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। वहीं दोस्तों, अगर आप न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर दोस्तों आपको जो भी न्यूज़ देनी है सबमिट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए।